सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने दो फॉर्मूला सीखा था, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये इस चैप्टर का आखिरी और तीसरा फॉर्मूला है, बहुत इजी है। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ईजी है ना? इसको मैंने स्टार मार्क किया है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम आपका प्रैक्टिस सेट 51 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज यूज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करना है एंड मल्टीप्लाई। सब क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आंसर कैसे शुरू करोगे आप? हियर यहाँ पे a कितना है आपका? x। सो a इज इक्वल टू x एंड b कितना है यहाँ पे आपका? y। आप देख सकते हो a x है और b आपका y है, आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लिया जो आप यूज करने वाले हो, उसके बाद क्या करने का, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वो देख देख के आपको लिखना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना है? x। तो ए स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। अब बी स्क्वायर की बारी, बी कितना है? y। तो बी स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर। आपका आंसर खत्म। समझ में आ गया? पहले क्या करने का, आपको गिवन लिखने का, यानी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a इज x एंड b इज y। फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके वो आपको लिखना है, प्रेटी सिंपल। बाद में क्या करने का, जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको देख देख के लिखना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है? x। तो ए स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। अब बी स्क्वायर की बारी, बी कितना है? y। तो बी स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? वैसे ही अब ये क्वेश्चन देखो, सेकेंड वन, 3x माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस फाइव। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो इस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, एक प्लस है एक माइनस है। सो आपको लिखना पड़ेगा अगेन, हियर आपका a कितना है? 3x एंड b कितना है? 5। सो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको पहले जो आप यूज़ करने वाले हो, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करने का, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो आपको देख देख के यहाँ पे लिखना होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना है? 3x। तो ए स्क्वायर कितना होगा? 3x का होल स्क्वायर। गलती से भी ऐसा मत लिखना, आपको कैसे लिखना है, 3x का होल स्क्वायर पूरा लगाने का, ये भी सही है। समझ में आ गया? 3x का होल स्क्वायर माइनस माइनस। अब बी स्क्वायर की बारी, बी कितना है? 5। तो बी स्क्वायर कितना होगा? 5 स्क्वायर। आर वी क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, 3x होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, ये जो स्क्वायर है वो दोनों लोगों को लगेगा। पहले 3 की बारी, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर माइनस माइनस। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, मतलब 5 5 25। आपका आंसर ख़त्म। अब इसको माइनस मत कर देना, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप 9 माइनस 25 नहीं कर सकते। ऐसे आपको सब क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ दिया है, वो होमवर्क है, आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और भी इजी है, प्लीज़ ध्यान देना, यूज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज़। अब आपको क्या लिखा है, 502 मल्टीप्लाई बाय 498। ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे ना पीछे, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे। क्यों? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज़ अ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। सो कैसे करने का स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, मज़ेदार है। आप 502 को 500 प्लस 2 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये दोनों को प्लस करने पर मुझे कितना मिलता है, 502 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मैं 498 को कैसे लिख सकता हूँ, 500 माइनस 2। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। आई रिपीट, 502 को हम कैसे लिखेंगे, 500 प्लस 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 498 को मैं कैसे लिखूंगा, 500 माइनस 2। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको ये फॉर्मूला में लगाना है। दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी एंड a माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आपका a कितना है, 500, आपका b कितना है, 2।
सो ए स्क्वायर कितना होगा 500 स्क्वायर माइनस बी कितना है 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पे दो जीरो है तो यहाँ पे चार जीरो लिखने का, क्यों स्क्वायर है दुगना, यहाँ पे दो जीरो है तो यहाँ पे चार जीरो लिखना है, तीन जीरो होगा तो छः लिखना है, चार जीरो होगा तो आठ जीरो लगाना है, माइनस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अच्छे बच्चे जैसे इसको माइनस करना, आंसर आएगा 249,996। आर वी क्लियर? वैसे सेकेंड वन करना है 97 मल्टीप्लाई बाय 103। अब मैं 97 को कैसे लिखूंगा, 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई और 103 को कैसे लिखूंगा, 100 प्लस 3। सही बात है, करेक्ट। दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी। आप बोलोगे सर लेकिन क्वेश्चन में तो सॉरी फॉर्मूले में तो पहले a प्लस बी दिया रहता है और ये माइनस बी बाद में दिया रहता है, यहाँ पे आपका माइनस पहले आ रहा है यहाँ पे प्लस आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया? चाहे पहले माइनस हो या चाहे पहले प्लस हो, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका a कितना है 100 और b कितना है 3। ओके, सो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 3 कितना है b है आपका, सो बी स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 1 को 1 लिखो और 0 है, दो जीरो है और स्क्वायर है, मतलब ये दो जीरो का डबल करना है, 1 2 3 4। माइनस माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 9, माइनस करना आंसर आएगा 9991। समझ में आ गया? इसको मैं वो फिर से समझा रहा हूँ कैसे करने का। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 1 1, और यहाँ पे दो जीरो है और स्क्वायर है इसलिए कितना लगाएंगे 1 2 3 4, चार जीरो आएंगे, माइनस करने का आंसर निकालो। वैसे आपको थर्ड और फोर्थ फिर से क्वेश्चन में दिया है, उसको सॉल्व करना आंसर आएगा। ठीक है, ये जो भी आज हमने किया है ये प्लीज़ कर लेना, एग्जाम में आएगा। अब लगे हाथ हम प्रैक्टिस एट 52 भी कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा सा है। फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको कहते हैं फैक्टराइज करना, उसको बड़ा करना। एक्सप्रेशंस, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको बड़ा करना है एंड राइट देम इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई, आप देखो सब जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। सो क्वेश्चन नंबर वन ध्यान देना स्टूडेंट्स, 201 मतलब 201 ए क्यूब बी क्यूब, इसको मुझे बड़ा करना है, फैक्टराइज करना है और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई लगाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें आपको मैं ये सब एडवोकेट नहीं करता बट यू हैव टू रेक्टिफाई हियर क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है। 201 को कैसे लिखोगे आप, 67 मल्टीप्लाई बाय 3, आप प्लीज़ एक बार ये याद कर लो बस। जब 67 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, चलो पीछे करके देख लो, 67 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको आंसर आएगा 201। तो 201 को हम कैसे लिखेंगे, 67 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, मतलब ए कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, 3 बार मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई बाय, वैसे ही बी क्यूब मतलब बी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, आंसर खत्म। समझ में आ गया? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर एग्जाम में आएगा तो 201 आप बस याद करना कि 67 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, फिर ए को 3 बार मल्टीप्लाई करो, बी को 3 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म। अब ये वाला थोड़ा इजी है। अच्छा सुनो, सॉरी एक बार बताना चाहूँगा, 67 प्राइम नंबर है, इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब और इसको डिवाइड मतलब और इसका बड़ा नहीं कर सकते, 3 को भी प्राइम नंबर है उसको और बड़ा नहीं कर सकते, तो यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन 91 एक्स वाई टी स्क्वायर। अब 91 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 13 7 ज़ा, करेक्ट, 13 7 ज़ा 91 होता है। एक्स वाई टी स्क्वायर कितने बार लिखेंगे, 2 बार, टी मल्टीप्लाई बाय टी। समझ में आ गया? यहाँ पे एक्स और वाई क्यों एक एक बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई एक एक बार है, टी स्क्वायर है, टी 2 बार लिखना है। अब अगेन 13 प्राइम नंबर है और आगे डिवाइड नहीं होगा, 7 प्राइम नंबर है और डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर खत्म। थर्ड वन देख लो, 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखना, मैं 24 को 12 2 से लिख सकता हूँ या 2 12 से लिख सकता हूँ, 12 2 से 24, ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर मतलब बी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 2, अब इस 12 को मैं 6 2 से लिख सकता हूँ या और आगे डिवाइड होगा, यहाँ पे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे थे,
67 और 13, 3 और 7, लेकिन 12 और डिवाइड हो सकता है, कैसे? 6 टू ज़ा 12, तो 12 को क्या लिखूंगा, 6 टू ज़ा 12, फिर ए ए बी बी, ये तो वैसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स मैं 6 को फिर से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 टू ज़ा 6, करें 3 टू ज़ा 6, सो ये 2 को वैसे का वैसे लिखूंगा, ये 6 को कैसे लिखूंगा, 3 टू ज़ा 6, करेक्ट, फिर ये 2 यहाँ पे रहेगा, ए ए बी बी, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टेप्स में आंसर आया, क्यों, पहले 24 को मैंने 12 लिखा, फिर 12 को मैंने 6 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, 6 टू ज़ा 12, और ये जो 6 है इसको मैंने कैसे लिखा, 3 टू ज़ा 6, ये सर्कल मत करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। 12 को मैंने ब्रेक किया तो 6 टू ज़ा हुआ, और 6 को मैंने तोड़ा डिवाइड किया तो 3 टू ज़ा हो गया। तो आपका आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी, आर वी क्लियर। तो जब तक नंबर डिवाइड नहीं होता यहाँ पे खत्म हो गया, 2 अकेला नंबर है, 3 अकेला नंबर है, 2 अकेला है, 2 अकेला है, और डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्लोज हो गया। फोर्थ वन बहुत सिंपल है, 3r² s³, टी एक ही बार और टी एक ही बार लिखेंगे, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एस क्यूब मतलब एस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एस मल्टीप्लाई बाई एस मल्टीप्लाई बाई एस, टी एक बार, आर 2 बार, एस 3 बार, समझ में आ गया। प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। अभी हमारा सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, अंटिल देन टेक केयर।